हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज दिखा रहा हूं गीजर किस तरह फिटिंग किया जाता है। ये देखिए, दो कनेक्शन पाइप लगा हुआ है। जो हरा वाला दिख रहा है वो इनलेट है, और लाल वाला जो दिख रहा है वो आउटलेट है। ये 15 लीटर का गीजर है। क्योंकि हम काम करते करते वीडियो नहीं बना पाए, ताकि हम अकेले थे और अकेले का गीजर फिटिंग कर रहे थे। ये देखिए, लाल कलर का जो बल्ब लगा हुआ, बल्ब लगा दिए हैं। यहाँ पर बल्ब लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनलेट जो है अपने एंगल पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम बल्ब लगा दिए हैं। क्योंकि अगर गीजर में एंगल पर नहीं लगाते हैं तब पर भी चलेगा, तो एमपी तक के भी काम चला सकते हैं। बट एक इनलेट में बल्ब देना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगर मतलब गीजर में पानी बहता रहे तो बल्ब बंद कर दीजिए, आपका इनलेट नहीं होगा तो आउटलेट नहीं होगा। इसलिए गीजर में कभी भी गीजर लगाइए, अगर एंगल पर नहीं देते हैं तो एक बल्ब दे दीजिए, आपका काम चलता रहेगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ दो गो ब्रास वाला एमटीएल लगा दिए, उसमें कनेक्शन पाइप लगा दिए। क्योंकि यहाँ पर दो गो आपका एंगल कप लग जाता है, ब्रास एंगल लग जाता है, इसमें आपका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए आप अगर गीजर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम खर्चा में भी लग जाएगा। जिससे ये देखिए, एल्बो लगाए हैं, एल्बो लगा के फिर एल्बो लगाए हैं। ये दो पाइप आया, जो इनलेट है आउटलेट। तो ये देखिए गीजर कनाल है, ये देखिए शावर कनाल है। यहाँ जो GIT लगाए हैं, वो MTA लगाए हैं,